सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और ये बढ़ा हुआ कर्मचारियों का भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। सुनिए अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों को तो कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुधार के साथ पहली जनवरी 2016 से स्वीकार किया गया है और आज जो मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तावना थी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अलाउंसेस के संबंध में, कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। 108 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। उसी प्रकार से 34 को सबस्यूम किया जा रहा है। 12 ऐसे हैं रेलवे से संबंधित जिसके संबंध में निर्णय बाद में होगा और 43 जिनको समाप्त किया जाएगा। पे कमीशन ने 53 को कहा था इनको समाप्त करने को। इसके अतिरिक्त एक बड़ी रिकमेंडेशन थी हाउस रेंट के संबंध में, जो HRA की रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की कि 3 प्रकार के शहर हैं जिनको XYZ कैटेगरी में माना जाता है और पे कमीशन ने वेतन बढ़ाते वक्त इन तीनों कैटेगरीज की जो बेसिक पे है उसमें 24% एक्स के लिए, 16% वाई के लिए और 8% जेड के लिए ऑफ द बेसिक पे हाउस रेंट अलाउंस फिक्स किया था। इसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है। जब 25% तक डीए पहुंचेगा तो जो 24, 16 और 8 की रिकमेंडेशन थी वो 27, 18 और 9 हो जाएगी। ये परसेंटेज में माना जाता है। जब 50% डीए पहुंचेगा तो वो 30, 20 और 10 हो जाएगी। और जो लोएस्ट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस परसेंटेज के अलावा एक फ्लोर भी तय होगा जो न्यूनतम HRA तय करेगा और ये फ्लोर है 5,400, 3,600 एंड 1,800। यानी ये न्यूनतम होगा और इसके बाद जो परसेंटेज अगर इससे ज्यादा बनती है तो वो ज्यादा मिलेगी। संशोधन भत्तों पर गठित हुई समिति की सिफारिशों पर आधारित है। आपको बता दें कि संशोधनों से भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के सुझावों को लागू करने में सरकार पर 1,448 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।